तो हम देखने वाले हैं कि डसान वाईफाई राउटर का पासवर्ड कैसे चेंज करते हैं, जिसका मॉडल नंबर है H660GM-A। तो देखिए, इसका डिफ़ॉल्ट IP होता है। सबसे पहले तो वाईफाई ब्राउज़र खोल लेते हैं हम। वाईफाई से कनेक्ट होना है आपको उसके, फिर उसको उसका डिफ़ॉल्ट IP है 192.168.1.1। ये पूरा टाइप कीजिएगा आप, जो नीचे सजेशन आ रहे हैं ये वाले, इसको नहीं लेना है। पूरा टाइप कीजिए, फिर इसको डायरेक्ट गो बोलिए। इस तरीके का पेज आपके पास खुल जाएगा। यहाँ पर यूज़र नेम डालना है। जो भी यूज़र नेम आपको आपका ISP प्रोवाइड किया कराएगा, वो यूज़र नेम डालना है। और कैप्चा डाल के इसको आपने लॉगिन कर लेना है। ओके, डन। लॉगिन लॉगिन आपका हो गया। आप ऑलरेडी इजी सेटअप पेज पे होगे। अगर नहीं रहा तो ये इस तरीके का राइट साइड में देखिए, इजी सेटअप, इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आ जाएंगे आप ऑलरेडी। सबसे पहले तो वाईफाई का नाम अगर आपको कुछ चेंज करना है, तो ये वन नेटवर्क नेम यहाँ पर डाल दिया दीजिए आप, जो भी आपको डालना है। मैंने टेस्ट डाला हूँ, आप डाल दीजिए। समय फॉर एग्जांपल 123 पासवर्ड नाम रखना है आपको वाईफाई का। सिक्योरिटी जो आपको प्रिफर्ड रही वो डालना है। रिकमेंडेड है कि WPA PSK WPA2 रखना, ठीक है। ये ब्रांड स्टेयरिंग का जो ऑप्शन है, ये ऑप्शन जो है तो दोनों भी फ्रीक्वेंसी जो है 2.4 और 5 GHz की फ्रीक्वेंसी, ये वाला सेम SSID में लेकर आएगा, और आपका मोबाइल ऑटोमेटिकली कनेक्ट कर लेगा 2.4। अगर आप दूर हो तो, आप नज़दीक हो वाईफाई के, तो 5G पर ऑलरेडी शिफ्ट हो जाएगा वो। तो इसको इनेबल रखना रिकमेंडेड है मेरी तरफ से, हमारी तरफ से। तो पासवर्ड यहाँ से चेंज होगा, इसका पासवर्ड यहाँ से आप देख सकते हैं। इसका पासवर्ड चेंज करना है, जो भी रखना है आप रख सकते हैं। मैं इसका पासवर्ड रख देता हूँ 123 123 123, ठीक है। आप कुछ भी रख सकते हैं इसके अलावा। अब जैसे हमने, तो मैं 123 के अलावा भी और कुछ भी रख सकते हैं आप, जैसे कि 123456789 0, ठीक है। मैं नहीं रखा हूँ, सेव करना है, सिर्फ सेव करना।